बिल्कुल इस समय मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। एक तरफ टीम हरियाणा तो दूसरी तरफ कोर्टों में बहुत अच्छा मुकाबला ये चलता हुआ, दूसरी तरफ टीम है तमिलनाडु, काफी शानदार मुकाबला होने वाला है। बिल्कुल मुकाबले का टॉस जीता है तमिलनाडु ने, चॉइस किया है कोर्ट पहली रेड, इस समय हरियाणा की तरफ से देखने को मिलेगी। बड़ा मुकाबला इस समय शुरू हो चुका है हरियाणा की तरफ से, 6 नंबर जर्सी में लेफ्ट कॉर्नर से सात के लिए से एक जबरदस्त फुटोरा के साथ इस समय हरियाणा सरकार ने इस बेटी को रनिंग बोनस का प्रयास भीम अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया। 2014 की दक्षिण कोरिया की चौकी गोल्ड मेडलिस्ट एशियन बिल्कुल इस समय बोनस अकाउंट होगा और बोनस के सारे हरियाणा का अकाउंट ओपन हो चुका है। और अब तमिलनाडु की रेडर राइट कॉर्नर से वॉक लाइन को पार किया और रेड वैलिड की प्रयास करेंगे अब अंक अर्जित करने के लिए। ये है बेटी सोनाली सिन्हा पे और शानदार सुपर टैकल नाश्ता यहाँ पे शानदार है, बिल्कुल काफी शानदार डिफेंस, रेड आउट 1 पॉइंट हरियाणा, शानदार बिल्कुल कल की गलती नहीं दोहराना चाहेगा टीम हरियाणा। इस समय 6 के डिफेंस में बिल्कुल यहाँ पे शानदार है, एक अंक और मिला इस समय टीम हरियाणा को, स्कोर इस समय 3-0। और अब तमिलनाडु की रेडर पोल है बिल्कुल टच की कोशिश की है, बिल्कुल दाएं बाएं आगे पीछे हर एंगल से बिल्कुल इस समय सेफ रेड रही तमिलनाडु की तरफ से। और अब हरियाणा की रेडर 6 नंबर जर्सी में सामने 5 का डिफेंस, बोनस इस समय अवेलेबल है नहीं, बिल्कुल 18 का 16 का नाम नियुक्त है, जिला है 22 का उस जिले की बेटी चक्कीदार गई, जिला है बड़े अच्छे यहाँ पे शानदार डबल साइड हॉट रेडर आउट 1 पॉइंट तमिलनाडु, बिल्कुल इस समय तमिलनाडु का अकाउंट ओपन हो चुका है। और उधर सोनाली बहुत अच्छा प्रदर्शन इंडियन रेलवे की तरफ से कर रही है, इस समय तमिलनाडु की रेडर काफी अच्छी हाइट और काफी अच्छा वेट, देखते हैं उसका कितना फायदा उठा पाती है। सस्ता और सुगम परिवहन है यहाँ पे, बिल्कुल रोक लिया है हरियाणा के डिफेंस के सामने, हाइट और वेट काम नहीं आया, शानदार डिफेंस, रेड आउट 1 पॉइंट हरियाणा, एक अंक और मिला इस समय टीम हरियाणा को, बहुत उम्दा प्रदर्शन लगातार टीम के लिए, इसकी अपनी एक विशेष पहचान है, हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन मेजर खेल है लगातार दो जूनियर नेशनल की बेस्ट प्लेयर भी घोषित की जा चुकी है। हरियाणा की रेड 4 के डिफेंस वापस वापस और इधर पायल चौधरी लगातार बहुत अच्छी रेड के द्वारा और बिल्कुल इस समय सेफ रेड रही है हरियाणा की तरफ से, रेड है जैसे इशारा बता रहा है हमारे ऑफिशियल की उंगलियां, 4 पूजा पूजा लेकर गई है पायल चौधरी, फिर पूजा बहुत अच्छी, दो हमारे जूनियर नेशनल की ये बेस्ट ऑफ दी प्लेयर भी इनको बिल्कुल सम्मानित किया जा चुका है, इस बेटी को खेलने का जो इसका तरीका है बहुत अच्छा, ये उम्दा प्रदर्शन कर रही है बेटी, फिर तमिलनाडु और ये कहा हमारे दूरदाई है बिल्कुल टच का दावा ठोका है, अभी शानदार डबल बिल्कुल काफी लाजवाब, पूजा 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 रेडर आउट 1 पॉइंट हरियाणा, पूजा पूजा बहुत
कर्नाटका की टीम को 1+3 पॉइंट। इंडियन रेलवे की पूजा बेटी है 10 नंबर की दसी में इंडियन रेलवे कांवड़े ढाला रनिंग हैंड है हमेशा बहुत सफल रेड होती है। कल जो मैच खेला हरियाणा लेकिन इनको टच अपने चुंबल में सागर मिड लाइन को टच करने का काम कर देवी का नाम है बहुत शुक्रिया हरियाणा प्रदेश जी तालियों की गड़गड़ाहट। ये भी बहुत अच्छी खिलाड़ी है लुधियाना जिला जीव की ये बेटी 7 नंबर की जर्सी में मोर परिवार की बेटी है कोशिश की इसमें काफी शानदार डिफेंस रन आउट वन पॉइंट तमिलनाडु इसमें तमिलनाडु की रन 6 के डिफेंस में बहुत बड़ा मुकाबला इधर इंडियन रेलवे वर्सेस कर्नाटक बहुत बढ़िया अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ बैस किया फिर प्रियंका आदमपुर वाली जिला इसमें बिल्कुल बोनस अंक मिला है टीम हरियाणा को। इधर भी बहुत अच्छे खिलाड़ी कर्नाटक की तरफ से शानदार आउट वन पॉइंट टीम हरियाणा इस समय 5 के डिफेंस में शानदार डिफेंस रेडर आउट वन पॉइंट टीम हरियाणा सुमन सुमन समय 3 के डिफेंस में हरियाणा की रेडर और इस बार रोक लिया है शानदार सुपर डेगल 2 पॉइंट टीम तमिलनाडु बहुत बढ़िया मुकाबले चलते हुए स्कोर बोर्ड पर नजर लगाए तो पहले हाफ में 16 अंक का हरियाणा प्रदेश और तमिलनाडु के अंक 4 बहुत 16-4 का स्कोर इस समय तरफ से कोशिश की जा रही है रेडियो के द्वारा इसमें दावा किया जा रहा है पूजा हटवाला बहुत होनहार बेटी हरियाणा प्रदेश की ऊपर की विशाल खिलाड़ी है खेल के क्षेत्र में इधर सोनाली महाराष्ट्र प्रदेश से बिलोंग करती है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एशियन गेम्स की मेडलिस्ट खिलाड़ी है सोनाली 5 नंबर की जर्सी हरियाणा की रेडर बहुत सस्ता सरल सुगम परिवहन शानदार डिफेंस हुआ है रेडर आउट पर पॉइंट डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4,000 किलोमीटर की दूरी तय करके 80 घंटे 30 मिनट में 57 स्टेशनों को पार करके पहुंचे कुछ बिल्कुल छोटे से ब्रेक के बाद मुकाबला पुनः शुरू और इस समय 5 का डिफेंस बड़ा ऐतिहासिक प्रदेश है कर्नाटक सोनाली तमिलनाडु शूट करने की कोशिश की
1956 में हिंदुस्तान के मानचित्र पर आकर का बहुत ऐतिहासिक, जिसको हिंदुस्तान का सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा गया है, उस प्रदेश का नाम है कर्नाटक। आईटी सेक्टर में 10 लाख लोग प्रत्यक्ष तथा 30 लाख काम करते हैं। टीम हरियाणा की तरफ उसका मुकाबला इंडियन रेलवे के बिल्कुल छोटे से टाइम आउट के बाद मुकाबला पुनः शुरू। और इससे में 4 विकेट बेटी है हरियाणा प्रदेश की, बहुत शानदार बेटी है, बिल्कुल काफी मुश्किल माना जाता है 4 और 5 का डिफेंस। हथवाड़ा एक ऐसा लेकिन गांव है जिसमें 4 रही है, विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं छूती है उसको, इसमें शानदार बैटिंग बिल्कुल एक गौर मिलेगा। और इस समय तमिलनाडु की रडर बिल्कुल भाई देखिए श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट की तरफ से वे घोषणा है, शानदार डिफेंस आउट है, सिर्फ पास एंट्री ही होगी जैसे आज की गई थी, 9 से 12 पास वितरित किए जाएंगे के लिए और इस शिक्षण संस्थान से आप प्राप्त कर सकते हैं, इसमें एक अंक और मिलेगा। कल सुबह 9 से 12 हमारे पास जारी किए जाएंगे, जिस जो भी अपना खेल प्रेमी इन बेटियों की परफॉर्मेंस हारना चाहता है शिक्षण संस्थान से आप श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से इनके बिल्कुल टेबल से आप पास प्राप्त करेंगे। पूजा नरवाल बिल्कुल इस समय पुनः शानदार डिफेंस है, बोनस अंक जरूर मिला है लेकिन 3 अंक मिलेंगे टीम हरियाणा को। थोड़े से वरी के बाद मुकाबला पुनः शुरू। स्कोर की बात की जाए तो 24 इस समय हरियाणा और 6 इस समय टीम तमिलनाडु, एक अंक और मिलेगा टीम हरियाणा को। महिला राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता इस समय खेली जा रही है महेंद्रगढ़ हरियाणा में, जो भी भाई यूट्यूब और फेसबुक पेज पे पहली बार लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। इस समय तमिलनाडु की रन खामोश रखा है हरियाणा ने, लेकिन जब चलना शुरू कर दिया तो बिल्कुल हरियाणा के लिए मुश्किलें बन सकती हैं। परंपरागत खेल है तमिलनाडु प्रदेश के, इस समय 6 की डिफेंस में वेरी गुड शाबाश किया गया है लेकिन टच पॉइंट जरूर मिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल बोनस नहीं मिला, सिर्फ टच पॉइंट मिला है और अब तमिलनाडु की रन। यहाँ पे शानदार एंगल हॉट रेडर आउट 1 पॉइंट टीम हरियाणा। समय 4 के डिफेंस में सेपरेट और अब तमिलनाडु की रडो बिल्कुल इसमें लपेट दिया है, एक अंक और मिलेगा इसमें टीम तमिलनाडु को। मध्यांतर में हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को 27-7 का स्कोर, 20 अंकों का फासला बन चुका है। सुनील पहलवान सिल्लू जो एक प्रति वर्ष जब भी हमारी चाहे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होती है चाहे राष्ट्र स्तर की प्रतियोगिता होती है
विशेष सहयोग देने के लिए अपनी टीम के साथ पहुंचते मैं स्वागत करता हूं आदरणीय मेरे भाई पहलवान सुनील सिल्लू लाठ का बिल्कुल मध्यांतर में सम्मानित किया जाएगा पहलवान मुकेश जी दवास हरिंदर जी पुनिया बिल्कुल समय हाफ टाइम हो चुका है। हाफ टाइम तक स्कोर 27 के मुकाबले 7। बिल्कुल हाफ टाइम के बाद मुकाबला पुनः शुरू होता है और इस समय तमिलनाडु की रेडर्स 6 के डिफेंस में मध्यांतर के बाद फिर मुकाबला चलता हुआ रमेश पल्लवी जी वरिष्ठ नेता जनता जनता पार्टी है बिल्कुल मुकाबला बिल्कुल इस समय बोनस अंक मिला है टीम तमिलनाडु को। हरियाणा के मध्यालय मध्यांतर के बाद रिडर पीडीएम रेलवे का नाम था सोनाली स्कोर की बात की जाए तो इसमें 28 और अब तमिलनाडु की मंच के सामने सुनिश्चित करने में अनुरोध करूंगा। हाँ बिल्कुल इस मैच के दोनों मैचों के तुरंत बाद सेपरेट रही और अब हरियाणा के पूर्व में प्रधाना चाहिए सामने चार का डिफेंस है कारखाना सफेदो जिला जी बड़े हरियाणा प्रदेश के मानने जाने कलाकार हैं वरिष्ठ साथी हैं उनकी प्रस्तुति होगी 5 मिनट के लिए इस मैच के तुरंत बाद और अगले मैच की शुरुआत से पहले। बिल्कुल इस समय सेपरेट रही और अब तमिलनाडु की रेडर 7 के डिफेंस में बिल्कुल लपेट दिया है बिल्कुल समय ये रेडर लगता है वापसी करवा सकती है समय हरियाणा की रेडर बिल्कुल इस समय तमिलनाडु की तरफ के खेमे में सेफ रेड डाली गई हरियाणा के खिलाड़ी द्वारा और अब तमिलनाडु की रेडर 6 के डिफेंस में ये पांचवा और छठा क्वार्टर फाइनल मैच आपके सामने चल रहे हैं। मैदान नंबर 1 पर हरियाणा और तमिलनाडु हरियाणा की बिल्कुल इस समय 2-2 रेड है 30 मैच रखाए हुए हैं हरियाणा की तरफ से और मैदान नंबर 2 पर भी इंडियन रेलवे और तमिलनाडु के बीच में जो मैच चल रहा है इस मैच में इंडियन रेलवे बिल्कुल एक तरफा आगे बढ़ रही है और मिला इसमें टीम हरियाणा को और इस कबड्डी जगत की एक से एक बड़ी महान हस्ती बिल्कुल मंच पर हमारे बीच में विराजमान है। प्रो कबड्डी लीग के बहुत सारे मैं देख रहा हूँ आदरणीय हमारे बहुत सारे कोच जो इस लीग के अंदर अलग अलग फ्रेंचाइजी से कार्य करते हैं वो भी बिल्कुल मंच पर विराजमान है खिलाड़ियों के प्रदर्शन को आंक रहे हैं क्योंकि आने वाला समय हमारी महिला खिलाड़ियों के लिए भी बहुत ही एक अच्छा समय आने वाला है उनके लिए भी लीग की शुरुआत होने जा रही है। तेलंगाना नेशनल की बात करें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीतने का काम किया और उनको एक स्कूटी उस इनाम में दी गई और उसके बाद पटना नेशनल अभी अभी लास्ट जूनियर नेशनल हुआ उस नेशनल की भी बेस्ट प्लेयर घोषित हुई और अब सीनियर वर्ग में भी बिल्कुल अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। एक बार फिर का खिलाड़िया बहुत ही अनुभवी बहुत ही सुंदर खिलाड़ी लगातार सुपर टेकर दो अंक मिलेंगे इसमें टीम तमिलनाडु को दो अंकों के रूप में तमिलनाडु को प्राप्त हुए और एक बार फिर दो से बढ़कर तीन खिलाड़ी तमिलनाडु टीम के और हरियाणा प्रदेश के
छह खिलाड़ी मैदान पर हैं। समय टाइम आउट लिया गया है टीम तमिलनाडु की तरफ से। इसके लिए इस समय तीन गेंद में हरियाणा खेल रहा श्री कृष्णा ग्रुप ऑफिस जो उन्होंने पास की व्यवस्था की है मिल जाएगा इस एक और हरियाणा को मैच देखना चाहता है 9 से 12 बजे तक आप ये मैच देखने के लिए पास प्राप्त कर सकते हैं वरना आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी या बिल्कुल नोट कर ले। दोनों ही वर्गों में हरियाणा प्रदेश की टीम आज अपना पूरा कर्तव्य दिखा रही है चाहे वो प्रिंसिपल दोनों ही क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन। भाई यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे पहली बार विजिट हुआ लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल इस समय 3 अंक मिले हैं टीम हरियाणा को और इस समय टाइम आउट लिया गया टीम हरियाणा की तरफ से।